हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है 20 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहा है अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं। मैं सुबह 8:30 बजे उठ गई थी, लेट ही उठी हूँ क्योंकि मैं बहुत 12 बज गए थे मुझे काम करते करते, है ना। तो बहुत लेट उठी हूँ मैं और अभी टाइम हो रहा है दिन के 10:30 बज रहे हैं। अभी क्या मेरे पाँव में जो तलवे हैं ना उसमें दर्द हो रहा है, जहाँ मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, अंगूठे के पास बहुत प्रॉब्लम होने लगी, दर्द होने लगा था। तलवे नीचे चलते हैं ना, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से भी काम कर रही हूँ। और फिर अब क्या बताऊँ, आज भी बहुत सारा काम है, आज के दिन समेटना है पूरा, अच्छे से उसको जमाना है और ये साफ सफाई करनी है। और आज है करवा चौथ। करवा चौथ का मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फास्ट रखती थी करवा चौथ का, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। करवा चौथ का फास्ट नहीं छोड़ना चाहिए, ये होता है आजीवन आपके जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जो मेरा दिल नहीं गवा रहा था, कि गवाही दे रहा था कि मैं इस फास्ट को कंटिन्यू करूं। मुझे नहीं मालूम इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस चीज़ के परिणाम क्या होंगे, लेकिन एट अ टाइम जो सिचुएशन थी मेरे साथ में, उसके हिसाब से मुझे छोड़ना ही बेटर लगा, है ना। चलिए कुछ अभी ये चीज़ यहीं मैं स्टॉप करती हूँ। कोशिश करूँगी मैं आपको कभी ये बताऊँ कि मैंने करवा चौथ का फास्ट क्यों छोड़ा है ना। मैं कल ज़रूर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो दिल में लगी रहती हैं। अब ये है सोशल मीडिया, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये क्यों हुआ। कोशिश करूँगी मैं शाम तक अपने आप को माइंड मेकअप कर पाऊँ, आप लोगों के सामने मेरी बातें शेयर कर पाऊँ। चलिए देखते हैं आज पर क्या होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल के ब्लॉग का एंड मैं नहीं कर पाई थी रात को, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और खाना खा के मैं सो गई थी, है ना। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूँ ब्लॉग में, क्योंकि बहुत थक गई थी, हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए कल का ब्लॉग आज मैं एंड करती हूँ। एंड में हम क्या करते हैं, हमारा जो डेली स्किन केयर रूटीन रहता है वो हम करते हैं। तो आज भी मैं एलोवेरा जेल और नारियल का तेल ले रही हूँ,
एलोवेरा जेल और नारियल का तेल एक एक टेबल स्पून दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम फेस में अप्लाई करते हैं। और आज मैं आपको साथ साथ हेयर केयर रूटीन भी बताऊँगी मैं मेरा जो करती हूँ मैं। मेरे इतने लंबे घने बालों का रास आज पता चल जाएगा ना। चलिए मैं पहले ये कर लेती हूँ। मैंने इसको आपको बताया था, ये आप हाथ को भी लगा सकते हो और नहाने के आधे घंटे पहले भी आप लगा सकते हो या 10-15 मिनट पहले भी आप लगा के नहा सकते हो। आज मुझे शैम्पू भी करना है तो मैं सिर्फ आप लोगों को हेयर केयर रूटीन भी बता देती हूँ मैं शैम्पू करने से पहले। हेयर केयर रूटीन में आज मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए पहले आपको एक नींबू लेना है और सिंपल सेम नारियल का आपको जितना लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, पूरे बालों में नहीं लगाना है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लूँगी। तो एक टेबल स्पून जितना आप तेल ले लेंगे, दिख नहीं रहा होगा, एक टेबल, फिर उसमें से आप हाफ नींबू निचोड़ के डाल देंगे। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे डैंड्रफ नहीं होता है। फिर इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद वो बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी बन जाता है इसका। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत कम बना है। तो चलिए इस पेस से करते हैं हेयर मसाज। गर्म कैसे करेंगे? गर्म पानी लेंगे, उसमें एक कटोरी डालेंगे तेल वाला। तो उससे क्या होता है, तेल सिर्फ तेल और नारियल को टप चलिए तो आज का ब्लॉग मैं इसके साथ एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, थैंक यू, गुड डे, बाय।